नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। दिनभर की बड़ी खबरें, आइए पहले देखते हैं दिनभर की बड़ी खबरें डीवी लाइव के सौजन्य से। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पहले बड़ी खबरें, उसके बाद कुछ नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मिल रही धमकियों की, हरियाणा में जारी हुए कांग्रेस के मैनिफेस्टो की, देखेंगे 10 साल बाद हुए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को, एक देश एक चुनाव पर मचे बवाल को, जानेंगे कब आतिशी लेंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिनभर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में वोटिंग के बीच प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, कहा पिछले 10 सालों में आपसे सिर्फ छीना गया राज्य का दर्जा, मतदान और सरकार चुनने का अधिकार। लड़कियां आगे बढ़ती हैं तो देश भी आगे बढ़ेगा, MNIT के दीक्षांत समारोह में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चंद्रयान 4 मिशन को कैबिनेट की मंजूरी, इसमें चंद्रमा से लाई जाएगी मिट्टी, अंतरिक्ष स्टेशन और वीनस मिशन 2028 में होगा लॉन्च। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 131 अंकों की गिरावट के साथ 82,948 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 41 अंकों की गिरावट के साथ 25,377 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लगातार बीजेपी नेताओं की ओर से विवादित बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस ने राहुल की जान लेने की धमकी देने वाले नेताओं पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने बीजेपी और शिवसेना के नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। देखिए ये रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। राहुल गांधी को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ एक्शन की मांग करते हुए देश भर में प्रदर्शन किया, लेकिन बीजेपी नेताओं के बयान नहीं रुक रहे हैं। उसी कड़ी में बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने भी राहुल गांधी को धमकी दे डाली है। उन्होंने राहुल गांधी की जुबान दाग देने की बात कही है। इसके बाद से ये मुद्दा गर्मा गया और राज्यसभा सांसद के बयान पर कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने चिंता जताई है। यही नहीं, उन्होंने सरकार से सवाल भी पूछा है कि क्या हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इन कार्रवाइयों की निंदा करने और माफी मांगने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि ये राहुल गांधी के खिलाफ एक बड़ी साजिश के संकेत हैं। मेरा मानना है कि ये एक स्पष्ट साजिश है। बीजेपी नेताओं की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पार्टी नेता अजय माकन ने बीजेपी शिवसेना के नेताओं के खिलाफ दिल्ली के तुगलक रोड थाने में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने शिकायत की कॉपी चुनाव आयोग को भी भेजी है, जिसमें केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू, बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाहा, UP सरकार में मंत्री रघुराज सिंह व अन्य नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। इससे पहले मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस अगला कदम क्या उठाती है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन से बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है, तो हरियाणा में भी पार्टी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इसमें कई जमीनी स्तर के मुद्दों को जगह दी गई है। पार्टी ने किसानों, युवाओं से लेकर महिलाओं के किचन तक का ख्याल रखा है। तो अपने इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने हरियाणा की जनता से क्या किए हैं वादे, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने दिल्ली में अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिलीज किया है। इस बार कांग्रेस ने घोषणा पत्र को दो फेज में तैयार किया है। एक फेज में कई गारंटियां शामिल की गई हैं, जिनमें हरियाणा में सभी महिलाओं को 2,000 रुपए हर महीने कांग्रेस की सरकार देगी। वही अगर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आती है तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी मिलेगा। इसी के साथ बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6,000 रुपए पेंशन भी देगी कांग्रेस की सरकार। वही कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वो सरकार में आई तो सरकारी कर्मचारियों को OPS देगी। सरकारी विभागों में 2,00,000 पक्की भर्तियां भी कांग्रेस करेगी। हरियाणा को नशा मुक्त करने का काम भी कांग्रेस की सरकार की तरफ से किया जाएगा। इसी के साथ OBC की क्रीमी लेयर सीमा को बढ़ाकर किया जाएगा 10,00,000 रुपए। राजस्थान की तर्ज पर 25,00,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज कांग्रेस की सरकार में दिया जाएगा। महंगाई से राहत के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी कांग्रेस की सरकार देगी। 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट और पक्का मकान देने की योजना एक बार फिर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में शुरू करेगी। इसी के साथ किसानों को MSP की कानूनी गारंटी के साथ तुरंत मुआवजे का भी प्रावधान कांग्रेस की सरकार करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस जातियों की जनसंख्या का पता लगाने के लिए जातिगत सर्वे भी करवाएगी। बता दें कि कांग्रेस दूसरे चरण का घोषणा पत्र अब चंडीगढ़ में जारी करेगी।
हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है तो जम्मू कश्मीर में भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज पहले चरण की वोटिंग हुई। 24 सीटों पर 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। तो पहले चरण में क्या रहा वोटिंग प्रतिशत, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद फिर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहली बार है जब वोटिंग के बहिष्कार की आवाजें नहीं सुनाई दी। बेहद शांतिपूर्ण तरीके से पहले चरण में 7 जिलों की 24 सीटों पर वोटिंग हुई। तो कहां हुआ कितना मतदान, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के 7 जिलों की 24 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। जिन 24 सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें से 16 सीट कश्मीर रीजन की और 8 जम्मू रीजन की है। पहले फेज की वोटिंग वाले एरिया में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का मजबूत जनाधार रहा, लेकिन इस बार यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन वोटिंग के दिन भारी पड़ता दिखाई दिया। जम्मू रीजन में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की बीजेपी के साथ कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। पहले चरण में 61% वोटिंग हुई है और कहीं से भी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जरूर कुछ स्थानों पर छुटपुट झड़प की खबरें मिलती रही, लेकिन इन सुरक्षा बलों ने इस पर तुरंत काबू पा लिया। आज हुई वोटिंग में सबसे ज्यादा मतदान किश्तवाड़ जिले में करीब 80% रहा है। किश्तवाड़ की इंदरवाल विधानसभा सीट पर वोटिंग 82% से भी ज्यादा रही। इसके अलावा डोडा में 71%, रामबन में 70%, कुलगाम में 62%, अनंतनाग और शोपिया में 56% वोटिंग हुई। सबसे कम वोटिंग पुलवामा में हुई, यहाँ सिर्फ 45% मतदान हुआ है। पहले चरण के मतदान में जिन उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है उसमें कुलग्राम से सीपीएम के मोहम्मद यूसुफ तारीगामी, डूरू से कांग्रेस के गुलाम अहमद, हाजीपुरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सकीना इटू दमहाल, देवसर से पीडीपी के सरताज मदनी, शंगाज अनंतनाग से पीडीपी के अब्दुल रहमान वीरी, पुलवामा से पीडीपी के वहीद पारा और बिजबेहरा से पीडीपी के इल्तिजा मुफ्ती का नाम शामिल है। पहले चरण की वोटिंग के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोग चुनाव में हिस्सा लें। हर इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी संख्या में वोट पड़े हैं और हम कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उमर ने अपनी जीत का दावा किया। दूसरी तरफ पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी कैंप में चिंता दिख रही है। डीप लाइव की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी कैंप में चिंता का माहौल है और अब तो केंद्र की एनडीए सरकार एक देश एक चुनाव करवाने की कोशिश में लग गई है। एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट तो कैबिनेट से पास हो गई है, लेकिन विपक्ष ने इसे पूरी तरह से नकार दिया है, जिसके बाद एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। मोदी सरकार की कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन यानी देश में सारे चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव पारित हो गया है। इस पर रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में ये बिल पेश कर सकती है। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में 5 सुझाव दिए गए हैं, जिसके मुताबिक सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली यानी किसी को बहुमत नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार किए जाएंगे। उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग करनी होगी। कोविंद कमेटी ने 18 संवैधानिक बदलावों का सुझाव दिया है तो विपक्ष ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने दावा किया कि देश इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे संविधान के खिलाफ बताया है, संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस घोषणा को लेकर मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग ध्यान भटकाने में माहिर है कि कैसे मौलिक चीजों से ध्यान हटाया जाए। आपने इसे बीजेपी का नया जुमला बताया है। विपक्ष के विरोध से परे एनडीए में भी इसे पूरी तरह से मंजूरी नहीं मिली है। जेडीयू और एलजेपीआर तो राजी है, जबकि टीडीपी ने इस पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसे में क्या ये बिल संसद से पास हो पाएगा, सवाल इस पर उठ रहे हैं। अब ये प्रस्ताव संसद से पारित हो पाएगा या नहीं, क्या मोदी सरकार एक और यू टर्न ले लेगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल दिल्ली में आप नेता आतिशी के सीएम पद के शपथ ग्रहण को लेकर भी उठ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा तो सौंप दिया है, आप विधायक दल ने नए नेता का चुनाव भी कर लिया है, लेकिन अभी भी विधायक दल की नेता चुनी गई आतिशी के शपथ ग्रहण की तारीख तय नहीं हो पा रही है। तो क्यों अटका आतिशी का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम, देखिए इस रिपोर्ट में। आतिशी दिल्ली की नई सीएम बनेगी ये तय हो चुका है, लेकिन वो शपथ कब लेंगी ये अब तक साफ नहीं हुआ है। आतिशी ने सरकार बनाने का दावा तो केजरीवाल के एलजी विनय सक्सेना को इस्तीफा सौंपने के कुछ ही देर बाद कर दिया था, लेकिन विनय सक्सेना ने ना तो केजरीवाल का इस्तीफा स्वीकार किया है और ना ही आतिशी के दावे पर कोई फैसला किया है। इसके चलते दिल्ली में नई सरकार का गठन लटका पड़ा है।
दरअसल केंद्र शासित प्रदेश होने के चलते दिल्ली में सीएम के इस्तीफे को स्वीकार करने का अधिकार एलजी के पास नहीं है। एलजी ने केजरीवाल के इस्तीफे को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू केजरीवाल के इस्तीफे को स्वीकार करेंगे। वैसे खबर ये आ रही है कि राष्ट्रपति की तरफ से केजरीवाल के इस्तीफे को स्वीकार करने का कभी भी ऐलान हो सकता है। इसके बाद ही एलजी की तरफ से आतिशी को नई सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा। एलजी की तरफ से राष्ट्रपति को भेजे पत्र में आतिशी के शपथ ग्रहण की तारीख 21 सितंबर प्रस्तावित की गई है। आतिशी के साथ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। मंत्रिमंडल में ज्यादा फेरबदल नहीं होगा। दिल्ली में सीएम तय हो चुका है लेकिन शपथ ग्रहण नहीं हो पा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में तो एनडीए में सीएम पद पर पेच फंसा हुआ है। चुनाव की तारीख नहीं आई है और एनडीए में सीएम पद का एक और दावेदार सामने आ गया है, जिससे एनडीए में तनाव बढ़ता जा रहा है। तो किसने सीएम पद की रेस में मारी एंट्री, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र चुनाव से पहले ही एनडीए में टूट पड़ती नजर आ रही है। सीट शेयरिंग पर तो पेच पहले ही फंसा हुआ है और अजीत गुट 70 से 80 सीटें मांग रहा है। वहीं शिंदे गुट भी कम सीटों पर मानने को राजी नहीं है। लेकिन इन सब के बीच अब सीएम फेस पर भी बवाल मचना तय है, क्योंकि शिंदे और अजीत तो पहले ही सीएम पद पर अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। खासकर अजीत पवार तो बार बार सीएम बनने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। इसके बीच बीजेपी नेता के बयान ने नया मोड़ ला दिया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनी तो सीएम फडणवीस होंगे। गिरीश महाजन ने कहा कि सीएम बीजेपी का होगा और वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। हमारे मन में बीजेपी का मुख्यमंत्री अगर कोई होगा तो वो देवेंद्र फडणवीस ही है। अब गिरीश महाजन के बयान ने सियासत को गर्मा दिया है और राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए। जानकार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ खेला कर सकती है। अब देखना होगा कि गिरीश महाजन के इस बयान का क्या असर होता है। गिरीश महाजन के बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई है तो हड़कंप ट्रंप के बयान से भी मचा हुआ है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को लेकर बड़ा दावा कर दिया है, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका चुनाव में हिंदुस्तान की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है। तो क्या कहा ट्रंप ने ऐसा, जानने के लिए देखिए। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब।